अहादीस मुबारका की रोशनी में शब बरात की क्या अहमियत है, क्या इस रात की इबादत ठीक है? शब बरात का रोजा रखा जाता है, उसकी सही हैसियत क्या है? शब का रोजा तो कभी होता ही नहीं, ये आपने शब बरात का रोजा कैसे लिख लिया? शब रात को कहते हैं ना, शब बरात जो है इसको कहा गया है इसलिए कि उनका ख्याल है कि इस रात में अल्लाह ताला बहुत से लोगों को इसका को बख्शता है, बरात अल्लाह ताला जहन्नम से उनको रुस्तगारी अता फरमाता है। इसके जिम्मे में जो सही अहादीस है सिर्फ एक है और वो ये है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ना बयान करती है कि एक रोज हुजूर की मेरे यहाँ शबबाशी की बारी थी, लेकिन मेरी रात को आंख खुली तो हुजूर नहीं थे मौजूद, तो मुझे तशवीश हुई कि आप कहाँ गए, तो मैं ढूंढती हुई वो या किसी और को आपने भेजा, बहरहाल मुझे पूरी तफसील याद नहीं है, तो मालूम हुआ कि आप जन्नतुल बकी में गए हुए हैं और वहां पर इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं अल्लाह से और तमाम जो भी वहां पर मुर्दे दफन है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, बस ये साबित है। बाकी अब इसमें जो है हिंदुओं से हमने मांग ली दिवाली, तो दिवाली जो है वो रोशनी की जा रही है और बत्तियां जलाई जा रही हैं, तो मुख्तलिफ लोगों से हमने बोरो की हैं चीज़ें, जैसे ईद मिलादुलनबी है वो हमने क्रिश्चियन से बोरो कर ली, या शियों के ताजियों का तोड़ करने के लिए हमने बात बना ली, अब इसमें जो है रोशनियां की जा रही हैं, ये दिवाली का गोया कि हमने तोड़ फराहम किया है या उसका उसकी नकल हम कर रहे हैं, ये चीजें नहीं। अलबत्ता नमाज रात की इबादत तो हर रात में बहुत आला है, चलिए अगर और दिनों में नहीं होता इस रात को आपको, क्योंकि हुजूर ने भी इस्तिग़फ़ार किया खासतौर पर जाकर जन्नतुल बकी में, तो अगर आप भी करें नमाज पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें तो क्या है, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई हर्ज की बात है ही नहीं, लेकिन इसे कोई त्यौहार की तरह मनाना, पटाखे छोड़ना और जो है वो रोशनी करना, ये भारत सही नहीं है। रोजा भी चूंकि पंद्रहवीं शब होती है, पंद्रहवा दिन होता है, फिर इस एतबार से हुजूर के मामूलात में था कि आप हर महीने की 13, 14, 15 तारीखों में रोजा रखते थे, तो अगर आप ये नियत करके रोजा रख लेते हो क्या कहने हैं, नूरुल आला नूर है, और रोजा किसी वक्त भी नफली रोजा रखा जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा।